जय हिंद दोस्तों। आईपीएल न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग कैसे बनी, आईपीएल ने कैसे अर्श से फर्श तक का रास्ता तैयार किया और आईपीएल ने कैसे लोकप्रियता की बुलंदियों को भी छुआ और मैच फिक्सिंग के काले दाग भी देखे, आईपीएल ने इतने वर्षों में क्या गेन करा और क्या खोया और आईपीएल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर है, आइए इन सब इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें कि आईपीएल का उदयमान कैसे हुआ, तो 13 दिसंबर 2007 को तारीख थी जिस दिन बीसीसीआई की भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऑफिशियल मीटिंग हुई। उसमें तत्कालीन चेयरमैन ललित मोदी ने एक आइडिया दिया कि क्यों नहीं अमेरिका और इंग्लैंड में विभिन्न खेलों में जो लीगें आयोजित होती है उसी की तर्ज पर भारत में क्रिकेट की एक लीग ऑर्गेनाइज करी जाए जिसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी भारत के हों और 4 विदेशी खिलाड़ी हों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए टीमें हों आपस में खेले, तो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म मिले और खिलाड़ियों के पास पैसा पहुंचे और बहुत सारा रेवेन्यू बीसीसीआई को और भारत सरकार को मिले। और ललित मोदी को ही आईपीएल का जनक माना गया क्योंकि उन्हीं की देन थी, सारा जो सिस्टम तैयार किया था उन्होंने, बोली लगने से लेकर फ्रेंचाइजियों को तैयार करना, राजस्व प्रणाली को शेड करना और किस तरह के से आईपीएल को ऑर्गेनाइज करना है, ये उन्हीं का आईडिया। इस वीडियो में आगे बात करें कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, तो प्रत्येक टीम को एक मालिक मिलता है, वो एक व्यक्ति विशेष हो सकता है या एक ग्रुप हो सकता है जिसने एक टीम को खरीदना है और उस टीम के मालिक को ही फ्रेंचाइजी कहा गया। और सन 2008 में तकरीबन $400 मिलियन की आधार कीमत पर बोलियां लगी, जीतने वाली संस्थाओं को फ्रेंचाइजी नाम दिया गया और तकरीबन 745 मिलियन करोड़ रुपए में तमाम फ्रेंचाइजियां बिकी। बात करें कि आईपीएल का उन्होंने क्या गेन करा, तो सन 2008 में सबसे पहले आईपीएल का पहला सीजन आयोजित हुआ और पहले ही मैच में क्रिस गेल ने जो धमाका किया वो तो आप सबको पता ही होगा। 2 साल के सफल आयोजन के बाद 21 मार्च 2010 में 2 नई फ्रेंचाइजियों का उदय हुआ, पुणे वॉरियर्स इंडिया जिसको सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ने तकरीबन 370 करोड़ रुपए में खरीदा और कोची टस्कर्स जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स ने तकरीबन 333 करोड़ रुपए में अपने नाम करा। तो ये 2 नई फ्रेंचाइजियां बनी और फिर उसके बाद आईपीएल में 10 टीमें खेलने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद कोची टस्कर्स ने बीसीसीआई और उनके मतभेदों के बीच में अपने आप को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। 14 सितंबर 2012 को डेक्कन चार्जर्स ने भी अपने आप को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया जबकि वो 2009 की चैंपियन थी। हालांकि उसके एक साल बाद फिर से बोली लगी और सनराइजर्स हैदराबाद का उदय हुआ। लेकिन पुणे वॉरियर्स इंडिया भी ज्यादा दिन नहीं रुकी, मई 21-2013 को उसने भी अपने आप को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आईपीएल में नई फ्रेंचाइजियों का आना और जाना लगा रहा। अब बात करते हैं इसके सबसे अहम मुद्दे पर आईपीएल फिक्सिंग की। तो एस्प्रिसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो सबसे पहले मैच फिक्सिंग के तहत पकड़े गए थे। इनको मैच फिक्सिंग करते हुए देखा गया था और इनका तरीका कुछ ऐसा था कि बीच मैच में पूरे का पूरा ओवर फिक्स करते थे बुक्की से कि वो इस ओवर में इतने रन देने वाले हैं। उसके बाद इन खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया और सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि आईपीएल की 2 बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और सीएसके की भी मैच फिक्सिंग में भूमिका पाई गई और इनको भी 2 साल के लिए बैन करा गया। हालांकि इनके एवज में पुणे सुपर जायंट्स और राजकोट 2 नई टीमों का उदय हुआ और आईपीएल फिर से उन्हीं 10 टीमों के बीच में खेला जाता रहा। अब बात करते हैं आईपीएल के काले बाजार की। तो होने को तो आईपीएल एक खेल है और मनोरंजन से ये शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे काले बाजारी की तरफ घुस गया, मैच फिक्सिंग के दाग लगे, सट्टे बाजार का खेल भी बहुत बड़ा हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो तकरीबन 9.9 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारत में क्रिकेट पर सट्टेबाजी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, टिकटों की बिक्री में भी कालाबाजारी होने लगी और बैटिंग एप्स ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, हाउजेट भी बीच में आए और बहुत सारी मोटी रकम इन पर लगाई जाने लगी। हालांकि इनको बैन करने की मांग उठी लेकिन कोर्ट ने फिर यह हवाला दिया कि चूंकि ये तो माइंड स्किल है इसलिए इनको वैध करार दे दिया गया और बहुत सारा पैसा आईपीएल की सट्टेबाजारी पर लगने लगा।
कई संस्थाओं ने तो यहाँ तक भी कहा कि आईपीएल की सट्टेबाजारी को तो हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारा तर्क दिया कि इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलेगा जिससे गवर्नमेंट दूसरे स्पोर्ट्स पर लगा सकती है। इस वीडियो के अंत में हम बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है, किस कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं। तो आईपीएल एक मनोरंजन का ही जरिया था, लेकिन धीरे धीरे फिर मैच फिक्सिंग, टिकटों की कालाबाजारी और बैटिंग ऐप्स के जरिए इसको एक धंधा बना दिया गया। आज भी ये मनोरंजन से ज़्यादा आज का यूथ आईपीएल के हर मैच पर, इवन हर बॉल पर पैसे लगाने लगा है और कितने ही करोड़ों रुपए इधर से उधर होते हैं। कंपनीज का क्या है, कंपनीज को जो उनका जो फिक्स कमीशन है वो मिलता है वो, और काफ़ी सारा टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में भी पहुँचता है, लेकिन कितने युवा कालाबाजारी में बर्बाद होकर अपना भविष्य खत्म कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना है कि आईपीएल को सिर्फ एक खेल समझ करके देखना ठीक है। मैच फिक्सिंग पर या सट्टेबाजारी पर या बैट पर इतना पैसा लगाकर अपने आप को बर्बाद करना समझदारी वाला काम नहीं है। एक और वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।